हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 2 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। ओके, उसका बहुत इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दो प्रॉब्लम देखेंगे, दोनों प्रॉब्लम काफ़ी ईजी है। ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है, मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। बिकॉज जो सेकेंड प्रॉब्लम है, ओके, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है, मतलब रिपीट मतलब काइंड ऑफ सिमिलर है। ओके, काइंड ऑफ सिमिलर है। ओके, सो ये आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। इसमें बेसिक जो रहेगा मैं बता दूंगा और इसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ओके, ये 3 मार्क के लिए 2000, ओके, मतलब 2014 मार्च 2014 में पूछा चुका है। और जो सेकेंड जो है वो रिसेंटली पूछा गया था सितंबर 2021, ओके, सितंबर 2021 में, ओके, 2021 में ये सब पूछा जा चुका है फॉरवर्ड 3 मार्क। ओके, तो देखते हैं बच्चों, ये ऐसे प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ओके, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये CET में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CET में आपको सॉल्व नहीं करना रहेगा, उसमें डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन देखते ही, ओके, DY/DX = Y/X पुट कर देने का। ओके, बट बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉपर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, एंड में आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा DY/DX = Y/X, ऐसे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। ओके, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ X^P ((y))q = x + y^2 क्या है? P + Q, देन प्रूफ दैट DY/DX = Y/X। ये जो हमारा प्रॉब्लम है मार्च 2014 में, जैसे कि मैंने बताया, रिपीट हो चुका है, फॉरवर्ड थ्री मार्क। चलो देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, राइट? ओके, यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिखता हूँ। क्या बच्चों, क्या लिखता हूँ यहाँ पे? सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो क्वेश्चन पहले दिया हुआ है ना, तो X^P ((y))q क्या है हमारा? Q है, (x+y)(x+y)p + q ऐसा गिवेन है। ओके, इसका यूज करके DY/DX = Y/X प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम आता है ना, ठीक है, तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे X^P दिया हुआ, Y^Q दिया हुआ है, X+Y^P + Q, जो भी ऐसा पावर रहे और ये मल्टीप्लीकेशन में रहे ना, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे यूज किया जाता है, तो आप चैनल पे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, दिनेश सर ने बनाए ऑलरेडी, तो वो आप देख सकते हो। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। ओके, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या होता है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड में हम लोग लॉग लेंगे, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो कैसा हो जाएगा? देखो, लॉग लेना मतलब क्या, ये जो एक्सप्रेशन है इसका लॉग लगा दो, राइट, और ये पूरा ब्रैकेट में लिखने का, ठीक है। X^P हो जाएगा (y)q हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, और इसके पहले भी लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? X+Y, लॉग ऑफ वॉट? X+Y (p+q), ठीक है, इतना हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो यूज करते हैं। ओके, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग की प्रॉपर्टी में आपको बता दो, देखो लॉग, ओके, क्या दिया? log a^b, ओके, मतलब एक नंबर है, b भी एक नंबर है, हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ओके, तो हम लोग ये जो b है ना, इसको log का कोफिशिएंट बना सकते हैं। अभी कोफिशिएंट कितना है? 1 है, ओके, log का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, राइट। जब ये b इधर आएगा तो ये कोफिशिएंट बन जाएगा b log of a लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो ये लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ओके, इसके अलावा लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो लॉग a इंटू बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख, कैसे लिख सकते हैं बच्चों? देखो, लॉग a के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग a, और ये इंटू है ना, तो इंटू साइन जो होता है प्लस बन जाता है, फिर लॉग b के पास जाता है, क्या जाता है? लॉग b के पास जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी यूज करने वाले लॉग का हम लोग, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है।
आई कैन राइट, देखो ये लॉग ये इंटू है तो क्या हो जाएगा, लॉग इसके पास जाएगा तो कैसा हो जाएगा, लॉग ऑफ व्हाट एक्स इज टू पी, ये इंटू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन यहाँ पे लॉग ऑफ व्हाट वाई इज टू व्हाट क्यू, एंड उसके बाद ये हो गया, उसके बाद इससे जाते हैं यहाँ पे देखोगे लॉग क्या दिया है, लॉग एक्स प्लस वाई इज टू पी प्लस क्यू, ओके ये वाला देखो ए इज टू बी है तो यहाँ पे जो बी का काम क्या कर रहा है, मतलब बी की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे पी प्लस क्यू दिया हुआ है, ओके तो बी यहाँ पे मतलब इधर आ गया तो यहाँ पे भी पी प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p plus q जाएगा, p plus q into what log of what x plus y, log of what x plus y, okay? यहाँ पे बच्चों एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो p और q है ना वो कांस्टेंट है, मतलब वो नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे p की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, q की जगह भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट ओके तो आप p और q को ऐसे कांस्टेंट भी अज्यूम कर सकते हो, ओके ठीक है, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स है, एक्स वाई वेरिएबल्स है, ठीक है ओके अभी हम लोग थोड़ा लॉग की और भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब और प्रॉपर्टी मतलब ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, देखो लॉग एक्स इज टू पी दिया हुआ है तो जो पी है उसको मैं कोफिशिएंट बना सकता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी इंटू वॉट, पी इंटू वॉट लॉग क्या हो जाएगा लॉग एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू इंटू वॉट लॉग वाई, क्यू इंटू वॉट लॉग वाई, दिस विल बी इक्वल टू वॉट, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं हो तो इसको ऐसे लिख देते पी प्लस क्यू लिखा, उसके बाद क्या लिखा बच्चों यहाँ पे लॉग ऑफ वॉट लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, लॉग ऑफ वॉट एक्स प्लस वाई लिख दिया, ठीक है ओके ठीक है इतना हो गया ना, अरे देखो कोई x का ना पावर है ना मतलब यहाँ पे कुछ x एस टू x कुछ नहीं दिया है, अभी नॉर्मल हो गया एकदम ओके, फंक्शन इनटू व्हाट फंक्शन भी मिल रहा है, देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे x प्लस वाई भी है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अभी हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑलवेज ध्यान रखो जब पावर्स में रहते हैं तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए पावर्स को मतलब कोफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग लॉग का यूज कर सकते हैं, और कभी भी आप ऐसा मतलब अटक जाते हो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो ओके मतलब नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यानी लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन यूज करो, डेफिनेटली विल बी गेटिंग द आंसर ओके ठीक है, जब फंक्शन एस टू फंक्शन रहा या फिर पावर कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कि x एस टू 100 दे दिया है या फिर अभी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें बताऊंगा ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट ओके ओके तो मैं लिखा देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग ओके, डिफ्रेंशिएटिंग वॉट डिफ्रेंशिएटिंग विथ वॉट विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एक्स, बिकॉज हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है राइट ओके, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि डी बाई डी एस इसके पास जाएगा, देखो पी तो मेरा कॉन्स्टेंट है वही रह जाएगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन में एक्स होता है, वन अपॉन में एक्स प्लस क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे क्यू है, फिर लॉग वाई, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा वन अपॉन में वाई, फिर वाई का भी करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स ओके, पी प्लस क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा पी प्लस क्यू लिखेंगे, उसके बाद हमारा क्या रहेगा लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस वाई को जब डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों तो वन अपॉन में एक्स प्लस वाई मिलेगा, वन अपॉन में एक्स प्लस y मिलेगा, फिर x प्लस वाई को भी करना पड़ेगा बिकॉज ये कंपोजिट फंक्शन है ओके, तो x प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, देखो x प्लस वाई में x, चलो मैं एक बार एक स्टेप लिख ही देता हूँ ओके, d बाय डी एक्स ऑफ वॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई ओके, x प्लस वाई ठीक है ओके, इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ठीक है ओके, यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे p बाय वॉट x, यहाँ पे q अपॉन में क्या है y dy by dx ओके, ध्यान में रखना कि हमें क्या कैलकुलेट करना है dy by dx ही कैलकुलेट करना है, तो इस पर नजर बनाए रखना ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो आप ध्यान में रखना है ओके, यहाँ पे p प्लस q डिवाइड बाय वॉट p प्लस क्यू डिवाइड बाई वॉट एक्स प्लस वाई इंटू में देखो ये d बाई डी एक्स इसके पास जाएगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है, और y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा ओके ठीक है, अभी इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो ये वाला स्टेप को ऐसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे p बाय एक्स हो जाएगा q अपॉन में y dy बाई डी एक्स ओके, dy बाई डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू वॉट, ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये जो वाला एक्सप्रेशन है ये क्या होगा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p प्लस क्यू डिवाइड बाई वॉट एक्स प्लस वाई ओके, एक्स प्लस वाई ओके ठीक है, ये जो होगा वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, फिर प्लस लिखा, फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन तो वैसे ही रहेगा p प्लस क्यू डिवाइड बाय वॉट x प्लस वाई ओके ओके, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू में ये क्या रहेगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स ओके, dy बाई डी एक्स हमें पता क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या पता करना है लिखा है हमें dy बाई डी एक्स पता करने के लिए, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है वो पॉजिटिव है राइट, तो हमें dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, अभी देखते हैं dy बाई डी एक्स छुपा राइट, देखो dy बाई डी एक्स एक यहाँ पे है इस वाले टर्म के साथ है और यहाँ पे है
यहाँ पे है। तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो dy by dx है ओके, यहाँ पे जो है इसको मैं इधर राइट साइड में भेज देता हूँ, ये वाला जिसके साथ dy by dx नहीं है उसको मैं लेफ्ट साइड में भेज सकता हूँ, मतलब भेज सकते हैं राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ उसको भेज दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भेज दे रहे हैं ओके ठीक है। तो भेजेंगे तो माइनस साइन चेंज, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है राइट, इक्वल के उस साइड भेजोगे तो ओके। तो अभी कैसा हो जाएगा देखो, p अपॉन में x है ठीक है, ये जो टर्म है ये क्या है प्लस में है यहाँ पे ओके, क्या है बच्चों प्लस में है, इधर ये वाला इधर आएगा तो माइनस में है, तो माइनस क्या हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू डिवाइड बाय वॉट x प्लस वाई डिवाइड बाय वॉट x प्लस वाई ओके, इक्वल साइन लिखा फिर ये वाला टर्म लिखूंगा ओके, क्यों लिख रहा हूँ बिकॉज वाले टर्म को मैं उधर ही रहने दे रहा हूँ ओके, डिवाइड बाय वॉट एक्स प्लस वाई ओके इंटू में क्या है डीवाई बाई डी एस ओके, इसके बाद माइनस लिख रहा हूँ, माइनस क्यों क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना इसको मैं इधर भेज रहा हूँ ओके ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्यू अपॉन में वाई, क्यू अपॉन में क्या है वाई डीवाई बाई डी एक्स ओके ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं बच्चों, अभी मैं ये वाला जो टर्म है इसको अभी एक बार ऐसे लिखता हूँ, p अपॉन में x लिखा ठीक है, माइनस वॉट p प्लस q लिखा डिवाइड बाय वॉट x प्लस y डिवाइड बाय वॉट x प्लस y ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू वॉट, यहाँ पे देखो डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकता हूँ दोनों में है राइट। तो कैसा हो जाएगा हमारा ये टर्म, हमारा p प्लस q हो जाएगा p प्लस q ओके, p प्लस q डिवाइड बाय वॉट x प्लस y डिवाइड बाय वॉट x प्लस y माइनस ये क्या हो जाएगा q अपॉन में y, q अपॉन में y और डीवाई बाई डी एक्स दोनों में से मैंने क्या किया कॉमन ले लिया है ओके ठीक है। अभी क्या करते हैं इसको सिंपलीफाई करते हैं, और सिंपलीफाई कैसे करेंगे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही एक ऑप्शन बचता है ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो पी इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा पी इंटू वॉट एक्स प्लस वाई, पी इंटू वॉट एक्स प्लस वाई माइनस वॉट एक्स इंटू वॉट पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू हो जाएगा देखो ये क्रॉस, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स प्लस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वॉट एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वॉट एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू वॉट, इसके साथ भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई राइट। तो ये कैसा हो जाएगा वाई इंटू वॉट पी प्लस क्यू, वाई इंटू पी प्लस क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू इंटू ये एक्स प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा ओके ठीक है ओके, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डिवाइड बाई वॉट वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे बाहर हमारा डीवाई बाई डी एक्स है, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है ठीक है बच्चों ओके समझ रहे हैं। अभी देखो अभी और सिंपलीफाई कैसे करेंगे, ये p को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी एक्स प्लस क्या हो जाएगा पी वाई ओके, ये x को अंदर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो ये एक्स पी लिख सकते हैं या पी एक्स भी लिख सकते हैं ना, तो पी एक्स लिख रहा हूँ ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू या क्यू एक्स भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ क्यू एक्स लिख रहा हूँ, ये माइनस साइन जाएगा राइट, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्यू एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों एक्स इंटू वॉट एक्स प्लस वाई ओके, एक्स इंटू वॉट एक्स प्लस वाई हो गया, दिस विल बी इक्वल टू वॉट, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा पी वाई, पी वाई प्लस वॉट क्यू वाई, पी वाई प्लस वॉट क्यू वाई माइनस वॉट यहाँ पे क्यू एक्स ओके, क्यू एक्स सॉरी एक्स क्यू भी लिख सकते हैं या क्यू एक्स भी लिख सकते हैं राइट, ऐसा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्यू एक्स लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू वाई ओके, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस क्यू वाई हो जाएगा राइट ओके, होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा वाई इंटू वॉट एक्स प्लस वाई, वाई इंटू वॉट एक्स प्लस वाई ओके, और यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स तो मल्टीप्लाई में है ही राइट ओके ठीक है। अभी आगे करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं अभी और किस क्या कर सकते हैं इसमें, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस पी एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस पी एक्स दिया हुआ है, क्या आपस में कैंसिल हो सकते हैं, यस आपस में कैंसिल हो सकते हैं ठीक है ओके। यहाँ पे कुछ और दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस क्यू वाई दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू दिया हुआ है, क्या आपस में कैंसिल हो सकता है, यस ये कैंसिल हो सकते हैं। अभी जो बचे हुए एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं, इसके अलावा बच्चों और भी कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है देखो, ये एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा राइट, खाच खाच ओके सर बोलते हैं ना ऐसा खाच खाच ओके, तो ऐसा कैंसिल हो गया राइट ओके। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये बचे हुए टर्म्स क्या माइनस वॉट क्यू एक्स ओके, पी वाई माइनस वॉट क्यू एक्स है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा डिवाइड बाय वॉट एक्स है, डिवाइड बाय वॉट एक्स ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू वॉट, दिस विल बी यहाँ पे क्या हो जाएगा पी वाई, बचा हुआ क्या है पी वाई माइनस वॉट क्यू एक्स, पी वाई माइनस क्यू एक्स बचा हुआ टर्म है ओके ठीक है, बचा हुआ टर्म हमारा पी वाई माइनस क्यू एक्स है, एक मिनट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ये हटा देता हूँ ठीक है। तो ये पी वाई माइनस क्यू एक्स है ठीक है, बचा हुआ देखो पी वाई माइनस क्यू एक्स है, डिवाइड बाय वाई है, इंटू में क्या आता है डी वाई बाय डी एक्स है ठीक है,
और भी कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? यस yes, हो सकता है। देखो यहाँ पे भी पी वाई माइनस क्यू एक्स है, इधर पी वाई माइनस क्यू एक्स है और यहाँ पे भी पी वाई माइनस क्या मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, खाच खाच ये भी कैंसिल हो गया। ओके बचे हुए टर्म्स क्या है अभी वो लिखते हैं, राइट ओके ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा देखोगे तो यहाँ पे वन अपॉन में एक्स हो जाएगा, वन अपॉन में एक्स, दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन में वाई डी वाई बाय डी एक्स। ओके डी वाई बाय डी एक्स ओके। ना ये होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो ये होने के बाद अभी हम लोग ये देखो डी वाई बाय डी एक्स पता करना है, तो वाई को इधर भेज दो। ओके तो वाई अपॉन में एक्स विल बी इक्वल टू वॉट डी वाई बाई डी एक्स। ओके डी वाई बाई डी एक्स, नाउ हम डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, विल बी इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स, वाई अपॉन में एक्स। ओके वाई अपॉन में एक्स, ओके y अपॉन में x इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वॉट dy वाई बाई डी एक्स। ओके तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स मिल गया। क्या मिला बच्चों, dy वाई बाई डी एक्स क्या मिला, y अपॉन में x मिला। ओके तो ऐसे आपको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके मैं क्विकली बताता हूँ आपको मैंने क्या किया इस प्रॉब्लम में। क्वेश्चन में हमें x एस टू पी, ओके x एस टू पी y रेस टू q दिया था, इंटू में इक्वल टू x प्लस y रेस टू वॉट p प्लस q ऐसा दिया हुआ था। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ओके टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया हमने, इसके बाद यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया। लॉग की प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लॉग a रेस टू b होता है, तो b इंटू लॉग a लिख सकते हैं, और लॉग a इंटू b रहेगा तो लॉग a प्लस लॉग b लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी क्या, लॉग a डिवाइड बाय b रहेगा तो क्या लिखेंगे, लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हैं। ओके तो वो भी ध्यान में रखना आप। ओके ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या किया, p जो है यहाँ पे a रेस टू b जो हमारा लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया गया, तो p इंटू लॉग x हो जाएगा, q इंटू लॉग y, p प्लस q इंटू लॉग x प्लस y हो गया। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया तो हमें ऐसा कुछ मिला। ओके इसको सिंप्लीफाई किया, ये ध्यान में रखा कि हमें dy by dx ही कैलकुलेट करना है, तो dy by dx को हमने बेसिकली एक एक साइड कर दिया। ओके जो टर्म्स थे जिसके साथ dy by dx था उस टर्म्स को राइट साइड में कर दिया, जिसके साथ dy by dx नहीं था उसके लिए हमने लेफ्ट साइड में कर दिया। ओके इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप करो। ओके एंड में आपको y अपॉन में x मिल ही जाएगा, और सो दैट का जो भी है प्रूफ दैट का प्रॉब्लम होता है ना, तो उसमें गारंटी होता है आंसर तो आपको पहले ही पता चल जाता है, राइट y अपॉन में x आने वाला है। ओके तो उसके हिसाब से आप सिंप्लीफाई करोगे और वो ध्यान में रखोगे ना तो काफी इजी हो जाएगा। ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था, राइट तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे थे कैंसिल करते गए हम लोग, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करने वाई अपॉन में एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या वाई अपॉन में एक्स। ओके फर्दर बच्चों इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, लेट्स एग्जाम में पूछता है सो दैट या फाइंड ऐसा बोलता है फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या बोलता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, लेट्स इसको मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, लेट्स एग्जाम में पूछा है कि फाइंड ऑल्सो फाइंड डी टू वाई बाई dx स्क्वायर, या ऐसे पूछ दिया एक्सप्रेशन दे दिया है उसके बाद पूछा है कि फाइंड आउट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तब कैसे करोगे, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो, देखते हैं अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा क्या आंसर आता है। ओके यहाँ पे लिखता हूँ अगेन ओके डिफरेंशिएटिंग, ओके डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा डी बाई डी एक्स इसके पहले आएगा, राइट डी वाई बाई डी एक्स, ओके और इसके बाद यहाँ पे भी जाएगा डी बाई डी एक्स किसके पास जाएगा y अपॉन में x के पास। ओके okay? y अपॉन में x के पास, इसको फटाफट मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और ये u अपॉन में v है तो x बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, ओके क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, ओके माइनस क्या हो जाएगा y बाहर d बाई डी एक्स ऑफ वॉट, d बाई डी एक्स ऑफ वॉट x, ओके ठीक है, ओके डिवाइड बाय वॉट डिवाइड बाई वी स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वॉट, विल बी इक्वल टू देखो एक्स इंटू वॉट डी वाई बाय डी एक्स, ओके एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय वॉट, डिवाइड बाय वॉट एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय वॉट एक्स स्क्वायर है। ओके ठीक है, अभी आप देखोगे बच्चों यहाँ पे हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, इसका वैल्यू हमें पता है क्या है, वाई अपॉन में एक्स होता है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। ओके तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, यस पुट कर सकते हैं। ओके तो हमारा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर विल बी रिटर्न एज वॉट, या कैन बी रिटर्न एज वॉट, यहाँ पे एक्स इंटू वॉट वाई अपॉन में एक्स,
ओके माइनस वाई डिवाइड बाय व्हाट, माइनस वाई डिवाइड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर, ओके डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अभी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा डी टू वाई, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो ये वाई माइनस वाई हो जाएगा, वाई माइनस व्हाट, वाई डिवाइड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर, ओके वाई माइनस वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, ओके विल बी इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर, एनी जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग क्या होता है, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो ओनली, ओके तो दिस विल बी जीरो, दिस इज द वैल्यू ऑफ what d 2y upon me dx square, d 2y upon me dx square is the value of what, मतलब d 2y by dx square का value क्या आ गया, 0 आ गया, okay तो exam में अगर आप पूछता है कि find d 2y by dx square तो उसका value 0 आएगा, okay और CET, okay MST, CET या फिर कोई भी entrance exam में इस type का question आता है, dy by dx अगर पूछा है, option में अगर y upon x दिया है, टिक कर देने का, क्या करने का, टिक करने का, बट ये इस ऑप्शन में ऐसे में मैच होना चाहिए, राइट, ओके ठीक है, इसके अलावा d2y by dx square पूछा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो पुट करने का, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओके फॉर व्हाट, CET या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना उसमें अगर पूछा जाता है तो, ओके ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉब्लम है ये तो बहुत ईजी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा जो एक्सप्रेशन है, ओके यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन क्या है, सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको आइडिया दूंगा, यहाँ पे x रेस टू क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ओके y रेस टू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और x x प्लस y रेस टू क्या दिया हुआ है, 5 प्लस 7 इज व्हाट, 12, ओके 12 ऐसा दिया हुआ है, राइट, ओके ये जो है ये एक्सप्रेशन जो अभी हमने क्वेश्चन किया, x रेस टू p इंटू क्यू y रेस टू क्या है, y रेस टू q, ओके इक्वल टू व्हाट, x प्लस y रेस टू व्हाट, p प्लस q, ओके ये जो है इसके ऐसा मैच नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इससे मैच नहीं हो रहा है, इसका हमने क्या देखा, इसका हमने क्या देखा, dy by dx, ओके इसका हमने देखा dy by dx, y अपॉन में क्या आ रहा है, x आ रहा है, और d2y अपॉन में dx square, ओके dx square क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, तो क्या ये जो हमारा है, ओके इसके लिए अगर ये हो सकता है तो इसके लिए, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके लिए ये नहीं हो सकता, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, y अपॉन में x आएगा, दैट्स व्हाई प्रूफ दैट dy by dx इक्वल टू y अपॉन में, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये x है, क्या है, ये x है, मैं इसको क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे x है, r नहीं है, ओके ठीक है, कोई और कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ये क्या है, x है, ओके ओके तो dy by dx इज नथिंग बट व्हाट, y अपॉन में x है, y अपॉन में x, ठीक है ऐसा आएगा, आप इसको सॉल्व करो, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट आई कैन हेल्प यू, ओके एंड कोई भी इसका जो PDF नोट्स है वो आपको दिनेश सर ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ पे MP क्वेश्चन सीरीज फॉर मैथ्स करके फोल्डर है, उसमें जितने भी सेशंस हुए हैं उनके PDF वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ से आप रिफर कर सकते हो, ओके टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।